दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई चैप्टर नंबर 12.2। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे एलपीपीए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स से स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेंट्स एटलीस्ट 8 units। यहाँ पे क्या समझना है तुम्हें, एक एक पॉइंट तुम्हें, एक एक जो क्वांटिटीज गिवन है वो सब अच्छे से समझना है, तभी हम टेबल पहले फॉर्म करना होता है, ठीक है। इसका 8 units ऑफ विटामिन ए एंड 11 units ऑफ विटामिन बी। फूड पी कॉस्ट ₹60 per kg एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 per kg। फूड पी कंटेन्स 3 units per kg ऑफ विटामिन ए एंड 5 units ऑफ विटामिन बी, वाइल फूड Q contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost. Minimum cost. ये basically minimum, minimize और maximize पे based होता है, ठीक है। तो पहले हमें क्या समझना होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें कैसे टेबल फॉर्म करना है। तो एक ही पॉइंट ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारे पास दो फूड है, ठीक है, एक P है एक Q है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे तुम्हें लिखना है। देखिए टेबल कैसे फॉर्म करोगे, ऐसे देखिए, फूड हमारे पास क्या है, पी और क्यू है। अब यहाँ पे पी और क्यू लिख दिया, या तो हॉरिजॉन्टली फॉर्म करो या तो वर्टिकली टेबल फॉर्म करो। मैं जहाँ तक हॉरिजॉन्टली फॉर्म करता हूँ, अब देखिए फूड हमारे पास पी और क्यू है, उसका कॉस्ट गिवन है, कहाँ पे गिवन है। देखिए फूड पी कॉस्ट ₹60 per kg एंड फूड पी का तो गिवन है यहाँ पे, और फूड क्यू का कहाँ कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे देखो कहाँ पे, फूड यहाँ पे देखिए, ठीक है, 80 per kg। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 per kg और 80 per kg रेस्पेक्टिवली। देखो पी का ये है, क्यू का ये है। अब विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में बताया, देखो फूड पी कंटेन्स 3 units per kg ऑफ विटामिन ए एंड 5 units ऑफ विटामिन बी। देखो वैसे समझ जाए तो 3 units per kg, तो फूड पी कंटेन्स 3 units per kg ऑफ विटामिन ए एंड 5 units per kg, यहाँ पर kg आएगा, ठीक है, ऑफ विटामिन बी। फूड क्यू की बात नेक्स्ट लाइन में की गई है, फूड क्यू कंटेन्स दिस मच per kg ऑफ विटामिन ए एंड 2 units per kg ऑफ विटामिन बी, वो भी लिख दिया मैंने, है ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सा ये टेबल फॉर्म करना बहुत सिंपल है। अब फर्स्ट लाइन में ध्यान से देखिए, सेकंड लाइन में मैंने कुछ यहाँ पे बताया था, एटलीस्ट 8 units ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना है तुम्हें, एटलीस्ट बोला गया, इसका कुछ मतलब होगा ना कि एटलीस्ट। अब यहाँ पे क्या समझिए, एटलीस्ट जब भी आएगा ना तो क्या लगाओगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटमोस्ट आएगा तो लेस देन और इक्वल टू, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, तो इससे ज्यादा हो सकता है, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट। अब यहाँ से हम यहाँ से हम कंस्ट्रेंट्स फॉर्म करेंगे। आई होप तुम्हें पता है कंस्ट्रेंट्स के बारे में सब। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो फॉर्म करना है जो कि जेड रिप्रेजेंट करता है। तो पहले समझ लेते हैं, जैसे कि कुछ द फूड पी और क्यू के लिए, लेट द क्वांटिटी ऑफ द फूड पी बी xkg एंड क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू बी ykg। ये सिंपल सा, जब भी ऐसा होता है तो पहले लेट करके हम अज्यूम कर लेंगे कि वो xkg और ykg, इतना तो लिखना है। नेक्स्ट द LPP इज टू, LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज कॉस्ट, मिनिमाइज करना है क्योंकि यहाँ पे गिवन है, हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है, दैट मीन्स हमें मिनिमाइज करना है। जेड इज इक्वल टू 60x + 80y। अब ये कहाँ से आया देखते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, मुझे क्या मिनिमम करना है कॉस्ट को, तो उसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे फॉर्म किया जाए। कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं, हमने अज्यूम किया था कि एक्स के जी हमारा ए बी है पी, और वाई के जी हमारा क्या है क्यू है, फूड क्यू और फूड पी के लिए। अब रुपीस में हमें मिनिमम कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है ना, तो हम कॉस्ट के बारे में लिखेंगे। तो एक के जी या तो एक्स के जी के लिए कितना रुपीस होगा, देखो 1 kg के लिए 60 rupees, है ना, यहाँ पे देखो फूड पी के लिए क्या बोला है, 1 rupees 60 per kg, और यहाँ पे रुपीस कितना है 80 per kg। तो यहाँ पे 60 per kg, 1 kg के लिए 60 rupees, तो 8 kg के लिए कितना हो जाएगा 60 into x, और यहाँ पे भी सेम चीज़ 80 into x,
ATX लिख सकता हूँ। अब देखिए इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पूछा है, एक का नहीं पूछा है कि फुट पी का बताओ फुट क्यू का बताओ, नहीं यहाँ पे पूछा गया है कि मिक्सचर, पूरे मिक्सचर का मतलब कि फुट पी और क्यू को मिला के, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये मेरा बन जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसके बेस पे बनता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो जेड बोलते हैं। इसको हमें मिनिमम, इससे हमें फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम कॉस्ट कैसे पता चलेगा। आई होप तुम्हें पता चल गया कि कैसे हमें जेड फाइंड आउट किया। अब कंस्ट्रेंट्स की बात की जाए, देखिए हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है 3x + 4y > 80। कहाँ से आया पता है? यहाँ से, मैंने बोला था कि एटलीस्ट आएगा तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू लगाना पड़ेगा 8 units ऑफ विटामिन ए। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 8 units ऑफ विटामिन ए बोल रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड 11 units ऑफ विटामिन बी। यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पे कम से कम 8 और यहाँ पे विटामिन के लिए बी के लिए कम से कम 11 units होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से हमने कंस्ट्रेंट्स बनाया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ से बनाया, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हमारे लिए यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हमें ढूंढना पड़ता है, तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से तुम्हें फॉर्म, अगर ये सही हो गया तो ठीक है। अब देखिए दो लिख दिया मैंने, अब x इज ग्रेटर दैन और इक्वल, अब ये 3x और 4y कैसे मिला पता है ना, क्योंकि मैंने इसको x माना था और इसको y, तो क्या हो जाएगा 3 units per kg, तो 3x हो जाएगा, ये 4y, इन दोनों को ऐड करने से ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8 होना चाहिए, और इन 5x + 2y को ऐड करने से ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोला गया। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर दैन 0 और y इज ग्रेटर दैन 0, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि x क्या होता है यहाँ पे, kg कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे y भी नहीं हो सकता क्योंकि y भी kg है, फुट पी फुट क्यू। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप हमारा ये टेबल फॉर्म करना, टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने लेट अज्यूम किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स लिखा, ये तीनों हो गया। अब तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करना है इक्वल टू साइन लगा के, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इस लाइन को। ठीक है, तो हम डालेंगे एक्स का वैल्यू 0, तो वाई क्या मिलेगा 2, आई होप तुम्हें ये आता होगा, और 0 डालने से बेटर है। ठीक है, 0 डालेंगे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू 0 डालो कुछ और मिल जाएगा, तो ईजी रहता है। तो -4 डाल दे 8 मिल गया, वैसे ही मैंने इसको भी x इक्वल टू ये कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। देखिए मैंने ग्राफ पहले से ही बना के रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दो लाइन बना दिया। आई होप तुम्हें आता होगा, ठीक है, कि लाइन कैसे बनाया जाए। अब दो लाइन बनाने के बाद एक और चीज है हमारे पास कंस्ट्रेंट में, कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, तुम्हें रीजन फाइंड आउट करना है, किस रीजन, किस कौन सा कॉमन रीजन, ठीक है, फीसिबल रीजन फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू बोला गया था, ये भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए मेरा एक लाइन है ऐसे, इससे ज्यादा एक लाइन है ऐसे, इससे ज्यादा है ना, और x इक्वल टू ग्रेटर दैन 0, सॉरी x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 भी बोला गया, तो इससे ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ही होगा, और यहाँ पे इससे ज़्यादा। अब इसमें सब में कॉमन क्या होगा, देखिए इस बात को समझिए, मैंने क्या बनाया, एक मेरा ऐसा लाइन बन रहा है और दूसरा ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे भी ज़्यादा, ग्रेटर दैन बोला गया इसलिए मैंने वैसा किया। ठीक है, एटलीस्ट तो जब भी मैं बता रहा हूँ स्टेप वाइज, यहाँ पे ग्रेटर देन है इसलिए मैंने ऐसे, अगर लेस देन होता तो नीचे की तरफ, ग्रेटर देन ऐसा बना दिया। अब इसमें कॉमन क्या बचेगा तुम्हारे पास, ऐसा बनेगा रीजन कॉमन, तो इसके आगे सब होगा। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन है, देख सकते हो यहाँ से ऐसे आया और ये यहाँ से ये पूरा रीजन। अब इस रीजन को बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बन रही है तुम्हें। ठीक है, अगर ये इस साइड होता ना तो बाउंड्री बन जाता। ठीक है, इसको छेड़िए, ये मैंने ऐसे ही शेड किया, वो बताता हूँ क्या क्यों किया है। अब इस रीजन तुम्हें मिल गया, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर फाइंडिंग आउट द लाइन को मार्क करने के बाद तुम्हें ऐसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें क्या देखना है कि कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है ना, वो देखना है तुम्हें। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढना है। कॉर्नर पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है, देखो बाउंड्री में क्या है कि कॉर्नर पॉइंट्स होगा ही ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ पे सब क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है। यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कहाँ पे पॉइंट्स बन रहा है, यहाँ पे आके टकरा गया, यहाँ पे आके टकरा गया, फिर ऐसा चला गया, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। ये सब क्या हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट्स अभी ढूंढे कैसे, अब ध्यान से देखो, ये एक लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब उस पॉइंट को ढूंढने के लिए तुम्हें अगर ग्राफ से ढूंढना पड़ेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं तो रिस्क होगा कि वो गलत हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 3x + 4y = 8 और 5x + 2y = 11। अब इसको सॉल्व करना तो आता होगा, यहाँ पे इंटू 2 कर दो क्योंकि यहाँ पे 4y बना दो, मतलब दोनों तरह इंटू 2 करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 3x + 4y = 8 और यहाँ पे 10x + 4y = 22। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, -7x = -14, x = 2, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, 1/2। x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 1/2। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया 2, 1/2। ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास बन गया 2, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, अब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से पता चल जाएगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे तुम y का कोऑर्डिनेट 0 होगा ये तो पता होगा क्योंकि x एक्सिस में लाइक कर रहा है, तो y के जगह 0 डाल दो। कोई भी मतलब ये कौन सा लाइन है, ये 3x + 4y = 8 है, यहाँ पे y की जगह 0 डालो तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 8/3 निकलेगा। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास 8/3, 0 बनेगा, हो गया। तो ये एक पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट बन गया। अभी ये पॉइंट पे क्या करोगे, सिंपल सी बात है, y एक्सिस में लाइक कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी कौन से इक्वेशन में डालोगे, इस इक्वेशन में। तो x का वैल्यू 0 डाल दो, y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 11/2 मिलेगा, हो गया। तो हमारे पास ये एक कॉर्नर पॉइंट, ये एक कॉर्नर पॉइंट, ये है, तीन कॉर्नर पॉइंट्स है। अब उससे हमें पता चलेगा, देखिए कॉर्नर पॉइंट्स मैंने लिख दिया, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी तो मार्क कर लो यहाँ पे, ABC, उसके बाद ये हमारा ABC, ठीक है। ABC मार्क करने के बाद A पे x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तुम्हें इसमें डालना है, जो भी z है ना मिनिमाइज करने वाला, उसमें तुम्हें डालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। यहाँ पे डालने से x का वैल्यू y का वैल्यू डालने से तुम्हें ये वैल्यूज मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से तुम्हें मिलेगा मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो फीसिबल रीजन जो बना है ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। तो हमारे पास एक कंडीशन आता है, जब भी अनबाउंडेड आएगा तो तुम्हें इसको इनइक्वालिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो z है हमारे पास, ये जो चीज़ है, जब भी रीजन अनबाउंडेड है, यहाँ पे देखिए अनबाउंडेड है मतलब उसका बाउंड्री नहीं है, तब क्या करोगे, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये जो वैल्यू है वो मिनिमम है। अगर बाउंडेड होता तो हम डायरेक्टली बोल सकते कि ये जो वैल्यू है वो मिनिमम है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कंडीशन आ गया कि यहाँ पे अनबाउंडेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको इनइक्वालिटी साइन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए 60x + 80, ये y था, ठीक है, y < अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमम की मैक्सिमम, हमें मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू है ये, तो < क्या 160, ठीक है, < 160 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कौन से 3x में इसको लिख सकता हूँ, 3x + 4y < 8, ठीक है, 2 के टेबल से 20 के टेबल से कैंसिल कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस है। अब इसको देखना है तुम्हें, अब इसको ग्राफ में अगर देखोगे, देखिए 3x + 4y < 8,
पहले से हमारे पास लाइन है 3x plus 4y equal to 8 वाला, लेस देन बोला गया है तो मतलब इस लाइन से कम, इसलिए मैंने यहाँ पे शेड किया था, ठीक है, इस लाइन से कम। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है इससे कम बात कर रहा है। अब तुम्हें देखना है कि ये जो फीसिबल रीजन है और इस रीजन में कुछ कॉमन है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है कॉमन है ही नहीं कोई पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो मतलब है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है इसके बीच में, मतलब कि फीसिबल रीजन, फीसिबल रीजन मतलब ये वाला पार्ट और ये जो पार्ट है इनइक्वालिटी वाला, अभी मैंने जो लिखा 3x plus 4y less than 8, लेस देन इसलिए मैंने नीचे की तरफ मोर देन होता। तो अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कॉमन क्यों नहीं है, है कि नहीं। यहाँ पे इस पॉइंट की देखने की जरूरत नहीं है। अभी अगर तुम्हें और भी डाउट, देखो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमारे पास ये एक रीजन है, ठीक है, इसके नीचे और इसके ऊपर में एक रीजन, यहाँ पे एक रीजन, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे एक बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई और पॉइंट बैठा हुआ है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, वो आप समझिए। इस रीजन और इस रीजन में, ये लाइन को छोड़िए, इसके और इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, बस ये सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो ना, लाइन को देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है इसके आगे वाला रीजन ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन जो रीजन है और इससे लेस देन जो रीजन है, वहाँ पे कुछ पॉइंट कॉमन में नहीं है। तो सिंस फीजिबल रीजन हैज नो कॉमन पॉइंट विथ जेड लेस देन 180, जेड का मीनिंग है ये लेस देन 160, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज दिस मच। मैंने जैसे कि बोला था, अगर कोई भी पॉइंट कॉमन में नहीं आया तो यही होगा हमारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और एट द अगर अगर सपोज कॉमन पॉइंट आ जाता तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होता, ठीक है। एट द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स ए एंड बी इन दोनों पॉइंट्स पे, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। ये एक से ये वही है, एक से वही है, ठीक है। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लंबा चला गया वीडियो, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए ना, इसलिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डाउट आएगा कि ये फीसिबल रीजन और इसमें क्या कॉमन चीज आ गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पॉइंट होता ना तब कॉमन, अगर ग्रेटर देन होता ना तो कॉमन पॉइंट्स आ जाता, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।